हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के बीहाइव टेक्स्ट बुक के पोएट्री का पोयम नंबर फर्स्ट है, द रोड नॉट टेकन। इसका आज हम लोग स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आइए बिना देर किए हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर स्टेंजा है, टू रोज डाइवर्ज्ड फार एज आई कुड। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेम द पोयम यानी कविता का नाम बताइए। ए ऑप्शन है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, बी ऑप्शन है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, सी ऑप्शन है द लिटिल गर्ल और डी ऑप्शन है द रोड नॉट टेकन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, द रोड नॉट टेकन। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द रोड नॉट टेकन यानी द रोड नॉट टेकन कविता का कवि कौन है। ए ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, बी ऑप्शन है टी एस एलियट, सी ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और डी ऑप्शन है ऑस्कर विल्डे। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड डाइवर्ज्ड मीन यानी डाइवर्ज शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है मूव यानी हिलना डुलना, बी ऑप्शन है ड्रा अपार्ट यानी अलग खींचना और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी यानी ए और बी दोनों और डी ऑप्शन नीदर ए नॉर बी यानी न तो ए न तो बी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इन द रोड नॉट टेकन यानी द रोड नॉट टेकन में पहले छंद की तुकबंदी योजना क्या है। ए ऑप्शन है ए बी ए बी, बी ऑप्शन है ए बी बी ए, सी ऑप्शन है ए बी ए ए और डी ऑप्शन है ए बी बी बी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ए बी ए ए। इसमें फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेसी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द रोड नॉट टेकन यानी द रोड नॉट टेकन के पहले छंद की अंतिम पंक्ति में किस साहित्यिक युक्ति का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन है कॉन्सोनेंस, बी ऑप्शन है एसोनेंस, सी ऑप्शन है एनाफोरा और डी ऑप्शन है ऑक्सीमोरन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एसोनेंस। इसमें सेकेंड नंबर स्टेंजा है, टू वियर इट एंड वांटेड वियर। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड यानी कवि ने दूसरा रास्ता क्यों चुना। ए ऑप्शन है फॉर इट वॉज ग्रासी, इसके लिए कि घास भरी थी। बी ऑप्शन है फॉर इट वांटेड पीपल टू वॉक ऑन इट, क्योंकि वह चाहता था कि लोग उस पर चलें। सी ऑप्शन है फॉर इट वांटेड वियर, इसके लिए कि घास से ढकी हुई थी और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज ये सभी। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द सेकेंड रोड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट वन यानी दूसरी सड़क पहली सड़क से किस प्रकार भिन्न थी। ए ऑप्शन है पीपल हार्डली ट्रेवल्ड ऑन दैट वेयर एज द फर्स्ट वन वॉज फ्रिक्वेंटली यूज्ड यानी लोग शायद ही उस पर यात्रा करते थे जबकि पहले वाला अक्सर इस्तेमाल किया जाता था। बी ऑप्शन है देयर वॉज अ लॉट ऑफ डैमेजेस ऑन द सेकेंड रोड देन द फर्स्ट वन यानी पहली सड़क की तुलना में दूसरी सड़क पर बहुत अधिक क्षति हुई थी। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, पीपल हार्डली ट्रेवल्ड ऑन दैट वेयर एज द फर्स्ट वन वॉज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेसी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द रोड नॉट टेकन द रोड नॉट टेकन के पहले छंद की पहली पंक्ति में किस साहित्यिक युक्ति का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन है कॉन्सोनेंस, बी ऑप्शन है एसोनेंस, सी ऑप्शन है एनाफोरा और डी ऑप्शन है परसोनिफिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, परसोनिफिकेशन। इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट ट्राई टू लुक डाउन द रोड एज फार एज ही कुड यानी कवि ने जहाँ तक हो सके सड़क के नीचे देखने का प्रयास क्यों किया। ए ऑप्शन है फॉर ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इट वॉज सेफर क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह सुरक्षित था। बी ऑप्शन है फॉर ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इट वॉज रिस्कियर क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह अधिक जोखिम भरा था। सी ऑप्शन है फॉर ही वांटेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द रोड क्योंकि वह सड़क की लंबाई मापना चाहता था। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, फॉर ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इट वॉज सेफर। तो फाइव नंबर क्वेश्चन है, बोथ द रोड्स वर इक्वली यानी दोनों सड़कें समान थीं। ए ऑप्शन है बैड यानी बुरी,
बी ऑप्शन है गुड यानी अच्छी, सी ऑप्शन है वोर्स यानी बदतर, और डी ऑप्शन नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी गुड यानी अच्छी। इसमें थ्री नंबर स्टेंजा है दाउ एज फॉर ट्रोडन ब्लैक। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रीज बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले मीन, यानी बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले वाक्यांश का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है बोथ द रोड्स हैड डिफरेंट मॉर्निंग, यानी दोनों सड़कों की सुबह अलग थी। बी ऑप्शन है बोथ द रोड्स हैड सेम मॉर्निंग, यानी दोनों सड़कों की सुबह एक ही थी। सी ऑप्शन है वन रोड हैड ब्राइट वेयर एज द अदर रोड हैड डल मॉर्निंग, यानी एक सड़क उज्ज्वल थी जबकि दूसरी सड़क सुस्त सुबह थी, यानी दूसरी सड़क की सुस्त सुबह थी। डी ऑप्शन आल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बी बोथ द रोड साइड सेम मॉर्निंग। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज नो स्टीप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन, यानी नो स्टीप हैड ट्रोडन ब्लैक इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है इट मीन्स दैट पीपल ट्रेवल्ड अ लॉट, यानी इसका मतलब है कि लोगों ने बहुत यात्रा की। बी ऑप्शन है इट मीन्स दैट पीपल ट्रीटेड द रोड डिलीवरेटली, यानी इसका मतलब है कि लोगों ने, इसका मतलब है कि लोग जानबूझकर सड़क पर चलते हैं। सी ऑप्शन है इट मीन्स दैट पीपल डिड नॉट लाइक टू ट्रेवल ऑन दैट रोड, इसका अर्थ है कि लोग उस सड़क पर यात्रा करना पसंद नहीं करते थे। डी ऑप्शन आल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी इट मीन्स दैट पीपल डिड नॉट लाइक टू ट्रेवल ऑन दैट रोड। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, यानी द रोड नॉट टेकन कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। ए ऑप्शन है दैट एवरी च्वाइस डिसीजन हैज एडवांटेजेस, कि हर पसंद निर्णय के फायदे हैं। बी ऑप्शन है दैट एवरी च्वाइस डिसीजन हैज डिसएडवांटेजेस, कि हर पसंद निर्णय के नुकसान भी हैं। सी ऑप्शन है दैट एवरी च्वाइस डिसीजन हैड बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि हर पसंद निर्णय के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी दैट एवरी च्वाइस डिसीजन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस फोर्थ नंबर स्टेंजा है ओह आई केप्ट द फर्स्ट दिस विथ अ साई। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू विद द फर्स्ट रोड, यानी पहली सड़क के साथ कवि क्या करने का फैसला करता है। ए ऑप्शन है टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन उस सड़क से यात्रा करने के लिए। बी ऑप्शन टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले वर्ष उस सड़क के माध्यम से यात्रा करने के लिए। सी ऑप्शन है टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने उस सड़क के माध्यम से यात्रा करने के लिए। और डी ऑप्शन टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड अनदर डे, यानी उस सड़क के माध्यम से किसी दूसरे दिन यात्रा करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड अनदर डे। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज लीड्स ऑन द वे मीन, लीड्स ऑन द वे वाक्यांश का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है इट मीन्स दैट वन वे लीड्स टू अनदर, यानी इसका मतलब है कि एक रास्ता दूसरे की ओर जाता है। बी ऑप्शन है इट मीन्स दैट वन वे डज नॉट लीड टू अनदर, इसका मतलब है कि एक रास्ता दूसरे की ओर नहीं ले जाता है। सी ऑप्शन है इट मीन्स दैट वन वे डज नॉट रिसेम्बल अनदर, इसका मतलब है कि एक तरीका दूसरे के समान नहीं है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए इट मीन्स दैट वन वे लीड्स टू अनदर। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट टूक द डिसीजन विच पीपल टेक, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वह निर्णय लिया जो लोग लेते हैं। ई ऑप्शन है आल यानी सभी, बी ऑप्शन है नो यानी कोई नहीं, सी ऑप्शन है रेयर यानी दुर्लभ, और डी ऑप्शन नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी रेयर। इससे फोर नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाउटफुल ऑफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किस बात का संदेह था। ए ऑप्शन है वेदर ही वुड कम बैक आर नॉट, क्या वह वापस आएगा या नहीं। बी ऑप्शन है वेदर ही वुड सक्सीड इन ए डिसीजन आर नॉट, कि वह अपने निर्णय में सफल होगा या नहीं। सी ऑप्शन है वेदर ही वुड बी एबल टू टर्न अप आर नॉट, क्या वह आने में सक्षम होगा या नहीं। और डी ऑप्शन आल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी आल ऑफ दीज, ये सभी।
इसमें 5 नंबर स्टेंजा है, सम वेयर एज हैज ऑल द डिफरेंस। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द डिसीजन मेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिए गए निर्णय के क्या परिणाम हुए। ए ऑप्शन है, सक्सीडेड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, यानी वह उस सड़क से यात्रा करने के बाद सफल हुआ। बी ऑप्शन है, ही फेल्ड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, यानी वह उस सड़क से यात्रा करने के बाद असफल रहा। सी ऑप्शन है, ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, यानी वह उस सड़क से यात्रा करने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड साय मीन, यानी साय शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन टू टेक अ शालो ब्रीथ, यानी एक उथली सांस लेना। बी ऑप्शन टू टेक अ डीप ब्रीथ, यानी एक गहरी सांस लेना। सी ऑप्शन टू इनहेल, यानी श्वास लेना। और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टू टेक अ डीप ब्रीथ, यानी एक गहरी सांस लेना। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट स्टेंजा इन द रोड नॉट टेकन, यानी द रोड नॉट टेकन में अंतिम छद की तुकबंदी योजना क्या है। ए ऑप्शन है ए बी ए बी, बी ऑप्शन ए बी बी ए, सी ऑप्शन है ए बी सी ए, और डी ऑप्शन है ए बी बी बी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ए बी सी ए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।